1 नवंबर 2021 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें ज्यादा स्टोरी टेलिंग से रेसलिंग देखने को मिली, पर मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला? ब्रॉक लेसनर का अगला अपोनेंट कौन होगा रोमन रिंग्स के बाद? रोमन रिंग्स ने किसके खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करा? ब्रे वाद का फायर मास्क होगा रिवील? बैकी लिंच ने अपने बेबी के ऊपर क्या दिया है रिएक्शन? साथ में डीन एम्ब्रोस ने पॉल हेमन और विंस मैकमैन के बारे में क्या कहा? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वस्त्र एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला। दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने टी बार को एक ब्रूटल नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में फेस करा, जहां पे टी बार ने डेमियन प्रीस्ट के पेट को कैंडो स्टिक से बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। डेमियन प्रीस्ट ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पे अपनी फोटो अपलोड करी, जहां पे उन्होंने दिखाया कि कैंडो स्टिक से हुई पिटाई से उनके पेट पे कितने बुरे जख्म बन चुके। दोस्तों जो कहते हैं कि रेसलिंग प्रो रेसलिंग फेक है, उन्हें ये फोटो दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए क्या तुम्हें दर्द हुआ होगा इस कैंडो स्टिक की पिटाई से पहले। तो दोस्तों डेमियन प्रीस्ट के जख्म देख के तो साफ समझ आ जाता है कि डेमियन प्रीस्ट का ये रूप जो जबरदस्त होगा और WWE को एक नया बड़ा स्टार दिलवा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में, जिन्होंने मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंग्स और बिग ई के सामने प्रोमो कट करा। इस प्रोमो में दोस्तों केविन ओवंस ने कहा कि वो लड़ते रहेंगे अगले 3 महीने या 3 सालों तक। दोस्तों केविन ओवंस की ये रेफरेंस उनकी रियल लाइफ WWE कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाती है। केविन ओवंस की सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में 3 ही महीने बाकी हैं, इसीलिए केविन ओवंस ने अपनी रियल लाइफ स्टोरी लाइन को WWE स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करते तो वो WWE को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों केविन ओवंस के इस सेगमेंट के बाद जहां पे उन्हें बिग ई ने माफ भी नहीं करा, जबकि केविन ओवंस ने बिग ई से माफी मांगने की कोशिश करी, जब बिग ई को केविन ओवंस पिन करने की कोशिश करते हैं, जब धोखे से सेथ रोलिंग्स उनको घूसा मार के चले जाते हैं। दोस्तों केविन ओवंस की पिटाई के बाद की अब रूमर्स आ चुके हैं कि जल्दी हमें केविन ओवंस हील टर्न करते हुए दिखेंगे और ये बात हमें अगले मंडे नाइट रॉ पे ही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें कार्मेला और क्वीन ज़ेलिना ने दोस्तों एक टैग टीम मैच में रिया रिपली और निकी एएसएच को हराया। दोस्तों अब अनाउंस हो चुका कि कार्मेला और क्वीन ज़ेलिना दोनों मिलके अब नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी हैं WWE की वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये मैच हमें जल्द ही अगले मंडे नाइट रॉ पे इन दोनों टैग टीम्स के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पॉसिबल रीजन क्या है कि एजे स्टाइल्स हमें WWE मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिल रहे? जब से WWE ड्राफ्ट 2021 हुआ, हमें एजे स्टाइल्स नहीं देखने को मिले। लगातार पिछले 2 हफ्ते से एजे स्टाइल्स मंडे नाइट रॉ से गायब रहे, जिसके पीछे का रीजन डेव मेल्टर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट में रिवील करा। उन्होंने रिवील करा कि एजे स्टाइल्स को कोई इंजरी नहीं हुई है, उन्हें कोई इस वक्त नॉन इंजरी मेडिकल इश्यू है, जिस वजह से WWE के डॉक्टर्स ने एजे स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ पे रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं करा। यानी कि एजे स्टाइल्स अभी मेडिकली फिट नहीं है, इसीलिए हमें मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिलने वाले। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे बैकी लिंच ने बियांका बेलेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में हरा दिया, पर मैच खत्म होने के बाद एक फैन ने बैकी लिंच से छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें कहा कि तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट है, जिसका जवाब बैकी लिंच ने इस वीडियो में दिया, जहां पे बैकी लिंच ने कहा कि वो क्यूट तो होगा ही क्योंकि आया भी तो मेरे में से है। बैकी लिंच ने दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसका आंसर दिया, तो मैंने सोचा इसे भी कवर क्यों ना कर लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों हमें WWE के एनुअल शो WWE ट्रिब्यूट टू ट्रूप्स 2021 पे भी एक बड़ी अपडेट आती हुई नजर आई।
WWE ने इस शो को ऑलरेडी टेप कर लिया है, ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। WWE ने अनाउंस करा कि 14 नवंबर 2021 को हमें WWE ट्रिब्यूट टू ट्रूप शोज देखने को मिलेगा, जहां पे दो बड़े मैचेस हैं। बिग ई अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे टॉप सिगलर के खिलाफ, जहां पे बिग ई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। और यहां पे मेन इवेंट है रोमन रिंग्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। इस मैच में रोमन रिंग्स ने नाकामुरा को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, क्योंकि ये स्पॉइलर है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकली कि ब्रे वाइट के लिए फायर मास्क अलग बनाया गया था, जहां पे उनका चेहरा रिमूव भी करा जा सकता था। दोस्तों ब्रे वाइट के फायर मास्क के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट ये आई कि WWE ने ब्रे वाइट का फायर मास्क रिप्लेस किया था और दूसरा मास्क यूज करा था। ओरिजिनली आपके स्क्रीन पे इस फोटो के अंदर ये ब्रे वाइट का फायर मास्क यूज होना था, यानी कि उनके जलने के बाद उनके लिए जो मास्क बनाया गया था वो ये था। पर अब दोस्तों बात करते हैं डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली के बारे में, जिनकी अब एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि एक किताब रिलीज होने वाली है, जिसका टाइटल है मॉक्स। दोस्तों डीन एम्ब्रोस ने यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स बनाए हैं अपनी किताब में, जिसमें से एक चैप्टर है WWE के नाम, जहाँ पे डीन एम्ब्रोस ने पॉल हेमन और विंस मैकमैन के बारे में कुछ बातें कही। डीन एम्ब्रोस ने रिवील करा कि ट्रिपल थ्रेट मैच फास्टलेन 2016 पे जो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के साथ डीन एम्ब्रोस ने खेला था, इसके बाद पॉल हेमन और डीन एम्ब्रोस ब्रॉक लेसनर के ड्रेसिंग रूम में थे, जहाँ पे पॉल हेमन ने कहा कि ये मैच हमें रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी होता हुआ दिख सकता था। डीन एम्ब्रोस ने कहा कि पॉल हेमन की इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, पर मैं जानता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। डीन एम्ब्रोस ने विंस मैकमैन के ऊपर भी एक बड़ी बात कही कि विंस मैकमैन पहले कभी एक क्रिएटिव जीनियस हुआ करते थे, पर अब विंस मैकमैन ऐसे क्रिएटिव जीनियस नहीं रहे। यानी कि इनडायरेक्टली डीन एम्ब्रोस ने कहा कि विंस मैकमैन के पास अब वो बात नहीं है और विंस मैकमैन को अब WWE की स्टोरी लाइंस बनाना छोड़ देना चाहिए। डीन एम्ब्रोस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ट्रिपल एच और उनकी वाइफ स्टेफनी मैकमैन पे भी कई बार निशाना सादा और कुछ शब्द भी अटपटे यूज करे। स्टेफनी मैकमैन के साथ तो उन्होंने एक सेक्सुअल टेंशन जैसा वर्ड भी यूज करा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के बारे में। रिसेंटली ड्रू मैकइंटायर ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे मुस्तफा अली को किमारा लॉक लगा के सबमिट करा, जिस पे ड्रू मैकइंटायर के मूव के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टर ने कहा कि ड्रू मैकइंटायर का किमारा लॉक यूज करना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक सिग्निफिकेंस रखता है, जिसके पीछे का उन्होंने लॉजिकल रीजन दिया कि ड्रू मैकइंटायर को WWE ब्रॉक लेसनर से दोबारा से लड़वाना चाहती है, हमें ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लेसनर के बीच में मैच देखने को मिलेगा। डेव मेल्टर ने यहां तक कहा कि ड्रू मैकइंटायर जल्दी हमें ब्रॉक लेसनर के साथ यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में देखने को मिलेंगे, लगता है कि रेसलमेनिया 38 का मैच दोस्तों हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे रोमन रिंग्स को ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लेसनर दोनों को ही फेस करना पड़ सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी कि ड्रू मैकइंटायर और रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन को WWE ने अभी से रेसलमेनिया 38 के लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो क्या रोमन रिंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर पाएंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।